जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन गरीबों के साथ बीता, गरीबी में बीता, लेकिन उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी किस्मत ना समझी। जो एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू की। आज द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति महिला बन गई हैं। इसके साथ ही वो पहली आदिवासी महिला और दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में महिला होना का सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया है। पहले तो जान लेते हैं कि मुर्मू जी हैं कौन। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी सांथाल आदिवासी से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरंजी नारायण टुडू, जो एक पेशे से किसान थे। द्रौपदी मुर्मू के दो भाई भगत टुडू और सरेनी टुडू था। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हो गई। उनसे दो बेटे और दो बेटियां हुई। बदकिस्मत 1984 में उनकी बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी जी का बचपन और वैवाहिक जीवन दोनों गरीबों और गरीबी के साथ बीता। उनके जीवन में बहुत सारे अभाव थे, लेकिन उनके जीवन में आने वाले सारे अभाव और समस्याओं को उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर निस्तेनाबूद कर दिया। उन्होंने 1979 में सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम भी किया और सरकारी पद की शोभा बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने 1994 में एक टीचर के रूप में भी काम किया और अपने इस काम को एक अच्छे आयाम तक भी ले गई और बच्चों को शिक्षित भी किया। 1997 ये एक ऐसा साल उनके जीवन के लिए था जिससे उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने पहली बार उड़ीसा के राय रंगपुर जिले में चौलड़ी और वार्ड पार्षद के रूप में चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू को 2002 में उड़ीसा सरकार ने पशुपालन विभाग में राज्यमंत्री बना दिया। 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। दोस्तों, जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन संघर्ष करने वाला इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। फिर वो 2015 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में चुनी गई, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा पद रखता है। उन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से इस पद को बड़ी बेखूबी से निभाया और 2021 तक उन्होंने इस पद पर अपनी गरिमा बनाए रखी। और दोस्तों, 2022 ऐसा साल जो उनके लिए किसी वरदान से कम ना था। वो भारत देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई और हमारे देश को एक नारी के द्वारा इस पद को चलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वो भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन गई। दोस्तों, किसी का जीवन आसान नहीं होता है। सभी के जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं। इसका प्रमाण द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और प्यारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।